यार नितिन तुम बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं हो। मैं हूँ यार, दिखाता हूँ तुम्हें। तुम ये शादी से पहले सोच भी कैसे सकते हो? यार प्रैक्टिस तो अभी करनी पड़ेगी ना, तुम्हें पता मुझे किस भी नहीं करना आता। यार वो तो मुझे भी नहीं आता। सच्ची? हाँ। तो दोनों साथ में प्रैक्टिस करें? नहीं, तुम उससे पहले मुझे एक रोमांटिक सी शायरी सुनाओ। रोमांटिक सी शायरी? हाँ। तो सुनो, याद में तेरी जो मैंने पीली शराब, वाह 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 वाह। याद में तेरी जो मैंने पीली शराब, वाह 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 वाह। याद में तेरी जो मैंने पीली शराब, आगे भी तो बोलो, फिर क्या? फिर क्या, धे टट्टी धे पेशाब, धे टट्टी धे पेशाब। फलक तक चल साथ मेरे, फलक तक चल, दस बस यार, इतनी देर तक गधे की तरिया पड़ा रहे, कुछ करे ना धरन, कम से कम जल्दी उठकर मंदिर तो जाया कर, बेशरम हो रहा कदी। भगवान, रियल लाइफ में तो लड़की दे नहीं रहा, और सपने में मम्मी किसी लड़की के साथ में कुछ करने देगी नहीं। चल भाई, तेरे को भी सुखाते हैं। यार मम्मी इतना बोलती है तो उनकी बात मान ही लेते हैं। आज से रोज मंदिर जाऊंगा, क्या पता भगवान ही मेरी लाइफ में कोई पापा की परी लिख दें। इसकी माँ का मजे ही मजे। भगवान जी, मैं आपसे ज़्यादा कुछ नहीं चाहूँगा, बस एक ऐसी पार्टी मिल जाए जिसका पेमेंट स्टार्टिंग में क्लियर, इसकी माँ का। बस एक ऐसी सुशील पार्टी मिल जाए जो बहुत पैसे वाली है, और जिनको अपनी शादी में एकदम बॉलीवुड मूवी जैसा शूट करवाना है, 20-25 लाख रुपए तो ऐसे फेंक के हमारे मुंह पे। बस एक ऐसी पार्टी मिल जाए फिर तो मेरी माँ के मजे ही मजे। बेचारी आप पे बहुत भरोसा करती है, मेरी नहीं तो कम से कम उनकी सुन लो। जय हो भोलेनाथ। हेलो, कहाँ पे? मंदिर। क्या कर रहा है? पूजा हो गई? हो गई। आजा। आया। अबे कवर दे, कवर। अबे साइड में, साइड में, साइड में बंदा। अरे कवर दे यार, तुम्हें बोल रहा हूँ कवर दे यार, बंदा क्या करेगा उधर। अरे तो बंदा था उधर यार, दूसरा मेरे को मार के चला गया, तू एक को तो मारता कम से कम, नूब कहीं का। चल नितिन एक बात बता। पूछ। तेरा जिंदगी का सबसे बेकार दिन कौन सा रहा है? मेरी तो यार जिंदगी बेकार है भाई। कोई तो ऐसा दिन होगा ना जिसके लिए तेरे को आज तक पछताना पड़ रहा है। सबसे बेकार दिन। नितिन बेटा, आज चाय बना देगा? हाँ बना दूंगा। मुझे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है मम्मी ने, इसको मैं जाने नहीं दूंगा। बहुत अच्छी चाय बनाऊंगा, सब खुश हो जाएंगे। ओ दुनिया सजी तेरे लिए, खुद को जरा पहचान तू। तू धूप है छम से बिखर, तू है नदी चल कहीं, उड़ चल कहीं, दिल खुश जहां तेरी तो मंजिल है वही। वाह बेटा, कितनी मस्त चाय बनाई, अब से रोज तू ही बनाएगा चाय। तो यार जब से घर में चाय तू ही बनाता है। हाँ भाई। हाँ मम्मी। नितिन एक घंटे में मेहमान आने वाले हैं, जल्दी से घर आ जा, चाय बनानी है। ठीक है। क्या हुआ भाई, फिर से घर पे जाना है चाय बनाने के लिए? हाँ यार। भाई यार तू जल्दी से एक बहुत अच्छा फोटोग्राफर बन जा, फिर तेरे को ये चाय वाय बनाने वाले काम नहीं करने पड़ेंगे। सही में कितना दुख है यार तेरी लाइफ में। हाँ यार, चाहता तो मैं भी यही हूँ ना। यार एक बात बता, ना तेरे जीवन में कोई लड़की है, ना तेरे अकाउंट में बैलेंस है, फिर भी तू इतना खुश कैसे रह लेता है? शर्म नहीं आ रही तेरे को? देख भाई, रही बात खुशी की तो इंग्लिश में बताऊं तेरे को? इंग्लिश में ही बताना, इंग्लिश में मत बता देना। लिसन, सक्सेस इज नॉट द की टू हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज द की टू सक्सेस। क्या बात। इफ यू लव व्हाट यू आर डूइंग, यू विल बी सक्सेसफुल।
और रही बात शर्म की, तो भाई मैं गिरा होया बंदा जमा नीच बलिए। मुकुल देख रहे, तो वही लड़की है जो मेरे सपने में आई थी। अबे उसकी शक्ल भी नहीं दिख रही है, तूने पहचान कैसे लिया उसको? अरे भाई मैंने पहचान लिया, मैं सच बोल रहा हूँ, ये वही लड़की है। हाँ तो जा जाके बात करके आ एक बार। नहीं यार मेरे को शर्म आती है। अब तो तेरे को तेरी मम्मी ही का समय, तू जाके बात करके आ उससे। मेरे को पता था तो यही बोलने वाला, इसलिए मैंने पहले आंटी बना ली थी। भाई भगवान बार बार मौका नहीं देता है, जाके बात कर ले उससे। नहीं यार वो डर लगता है यार। अबे जल्दी जाके बात करके आ यार। अबे जा जा, ऑल द बेस्ट, जल्दी जा। हाँ जी बोलिए। मुंह तो बंद करो अंकल। एक्सक्यूज मी, तुम्हारे दिल ने हमारे दिल को दबोच लिया है, हमारी छाती का चैन और करार नोच लिया है। अब ज्यादा चू चपड़ मत करना, तुमसे शादी करनी है हमने सोच लिया है। विल यू मैरिज मी? विल यू मैरिज मी नहीं होता, विल यू मैरी मी होता है। क्या कर रहा है ये? ऐसे तो बन गई इसकी बात इतनी जल्दी? पहले एक दूसरे को जान तो लेते हैं। चलो फिर जान लेते। अरे वाह, ये लड़की को ले भी गया साथ में, बड़ा तेज निकला यार ये तो। टकरा चुके हैं हमसे मुसाफिर यूं तो कई, दिल ना लगाया हमने किसी से, किस्से सुने हैं यूं तो कई। ऐसे तुम मिले हो, ऐसे तुम मिले हो, जैसे मिल रही हो इत्र से हवा। काफिराना सा है इश्क है यार, क्या है? ऐसे तुम मिले हो, ऐसे तुम मिले हो, जैसे मिल रही हो इत्र से हवा। काफिराना सा है इश्क है यार, क्या है नितिन? हाँ तुम मुझसे कितना प्यार करते हो? बहुत ज्यादा। कितना? बहुत 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 ज्यादा। क्या कर सकते हो मेरे लिए? मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अच्छा कुछ भी? हाँ। मेरे लिए चांद तारे तोड़ के ला सकते हो? ला सकता हूँ। लाओ तोड़ के। यार अभी तो दिन हो रहा है, रात को लेके आऊंगा। तुमसे तो सिर्फ बातें बनवा लो। अरे तुम्हारे तो मूछ भी नहीं आ रखी। मैं रुको मैं बनाता। अरे बालों से ये देखो। अच्छा नितिन तुम्हारा फ्यूचर प्लान क्या है? मेरा फ्यूचर प्लान है तुमसे शादी करने का। हाँ मुझसे शादी करने का तो है, लेकिन फिर भी तुमने कुछ तो सोचा होगा ना फ्यूचर के लिए? मैं यार बहुत फेमस और बहुत बड़ा फोटोग्राफर बनना चाहता हूँ। क्या फोटोग्राफर? हाँ। तुम पागल वागल हो क्या यार नितिन? मैं मेरे घर वालों को क्या बताऊंगी, जिससे मैं शादी कर रही हूँ वो फोटोग्राफर है? और नहीं तो क्या, घर वालों से झूठ थोड़ा बोलते हैं। नहीं यार नितिन तुम्हें फोटोग्राफी के अलावा कुछ और सोचना पड़ेगा। यार ये मेरा ड्रीम है। मुझसे शादी करना भी तो तुम्हारा ड्रीम है ना? तो वो भी तो पूरा करूंगा मैं। नितिन मैं सीरियस हूँ, तुम्हें फोटोग्राफी और मुझ में से किसी एक को चुनना होगा। यार ऐसी सिचुएशन मत बनाओ। सुनो तो सही, जारी का हूँ। हाँ बोलो। यार मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा, समझो इस बात को। नितिन समझने की कोशिश तुम करो, फोटोग्राफी पैशन है, करियर नहीं है तुम्हारा।
का फिराना सा है, इश्क है या क्या है, ऐसे तुम मिले हो, ऐसे तुम